हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका माय चैनल सक्सेस मंच में। आज मैं फिर आपके सामने मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर जीके इन हिंदी में लेकर आई हूँ। भारतीय राज व्यवस्था मतलब कि इंडियन पॉलिटी, इसका पार्ट टू शुरू करेंगे। पार्ट वन मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ मेंस के लिए हम लोग जीएस पेपर वन, जीएस पेपर फोर, हिस्ट्री का टॉपिक चला रहे हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और आप हमारे चैनल पर विजिट करके भी इसको देख सकते हैं। प्लीज़ एक बार हमारे चैनल को विजिट करिए और आपके काम की बहुत सारी चीज़ें सीरीज चलाई जा रही है, तो उस पर एक बार ज़रूर देखिए आपके काम की क्या क्या चीज़ें हैं। और अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर करिए। चलिए हम शुरू करते हैं भारतीय राज व्यवस्था का पार्ट टू, जो कि एसएससी, सीजीएल, बैंक, सीएचएसएलएल, एमपीपीसीएस, यूपीपीसीएस, यूपीएससी, रेलवेज और जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन है वो भी डाले हैं, प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चन 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं, जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अपना क्वेश्चन करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, वर्ष 1938 में किसने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। तो 1938 में की थी जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजों से की थी कि वयस्क मताधिकार के आधार पर हमें भी एक संविधान सभा बना के दी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का कौन सा नाम उल्लेखित है। तो हमारे देश का बहुत नाम है, भारत, इंडिया, तो यहाँ पर दोनों नाम हिंदी में हम भारत कहेंगे और इंग्लिश में इंडिया नाम भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दिया गया है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है। मतलब कि मौलिक अधिकार का स्थगन जो कार्यपालिका कर सकती है वो कौन से संविधान से, तो जर्मनी के संविधान से लिया गया है, जिसे बीमर का संविधान भी कहते हैं। बीमर कहते हैं जर्मनी के संविधान को। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारतीय संविधान में किस प्रकार के मौलिक अधिकारों पर अधिक बल दिया गया है। तो राजनैतिक और सामाजिक मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के किन सदस्यों को मत देने का अधिकार नहीं है। तो ये नामित सदस्य होते हैं, जो नाम निर्देशित सदस्य होते हैं उन्हें मत देने का अधिकार नहीं है, और जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में मत दे सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस अर्थ के रूप में स्वीकार किया गया है। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक लोकतंत्र के रूप में हमारे भारतीय संविधान में लोकतंत्र को स्वीकार किया गया है। दल बदल कानून के तहत किसी दल से कितने सदस्य के अलग होने पर दल विभाजन की स्थिति मानी जाती है। 1/3 सदस्य अगर किसी दल से विभाजित हो जाते हैं और नया दल बना लेते हैं तो हम उसको दल बदल कानून के अंतर्गत नहीं लिया जाता, उसको दल विभाजन की स्थिति कहा जाता है, वो दल बदल कानून के अंदर की स्थिति नहीं होती है। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि मूल अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों के बीच सामंजस्य एवं संतुलन संविधान का मूल ढांचा है। तो ये मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ का मामला चल रहा था, उसमें हमारी सर्वोच्च न्यायालय ने ये सुनिश्चित किया था, निर्धारित किया था। संविधान की किस धारा के तहत भारतीय नागरिकों को सूचना का अधिकार, जो कि RTI होता है, को एक मूलभूत अधिकार का दर्जा दिया गया। तो 19A के तहत मूलभूत अधिकार का दर्जा दिया गया RTI को, और ये जो सूचना का अधिकार है, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये 2005 में लागू किया गया था भारत में। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। तो ये तो आप बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सबको आता होगा, राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानसभा के कुल सदस्यों में से कितने सदस्यों का चुनाव विश्वविद्यालय के कम से कम 3 वर्ष पुराने स्नातकों या समान योग्यता रखने वाले राज्य निवासियों द्वारा चुना जाता है। तो 1/12 सदस्य इनके द्वारा चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित रखने का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय के किस मामले में प्रतिपादित किया गया। तो ये प्रतिपादित किया गया केशवानंद भारती मामले में, जो कि 1973 में हुआ था ये मामला, उसमें ये कहा गया सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 में राज्य विधान परिषद में न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है। तो कम से कम न्यूनतम सदस्यों की संख्या 40 होनी ही चाहिए,
ये अनुच्छेद 71 में कहा गया है जो कि राज्य विधान परिषद के संबंध में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संघीय सरकार जम्मू कश्मीर राज्य में किस प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था लागू नहीं कर सकती है? तो भारत की जो केंद्र सरकार होती है संघीय सरकार, उसे वित्तीय आपातकाल लागू नहीं कर सकती है जम्मू कश्मीर के संबंध में। बाकी जो दो आपातकाल है, एक होता है जो कि सशस्त्र विद्रोह और युद्ध के आधार पर होता है, और एक आपातकाल होता है जो कि राज्य आपातकाल होता है, जिसे राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं, वो जम्मू कश्मीर में लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा की अवधि एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? तो एक बार में एक वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है, और पहले कई बार इसे बढ़ाया गया है। भारत के संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करते हुए कितने समय तक शासकीय प्रयोजन के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग की अनुमति दी गई थी? तो इसका कोई निश्चित काल नहीं बताया गया था कि इतने समय तक इंग्लिश भाषा का प्रयोग किया जाएगा। हाँ, जब तक सारे राज्य सहमति नहीं दे देते कि हिंदी को राष्ट्रभाषा माना जाए संविधान में, तो उस तब तक के लिए इंग्लिश का प्रयोग किया जाना निश्चित किया गया था। राज्यपालों के लिए एक मार्ग निर्देशक सिद्धांत निर्धारित करने की अनुशंसा किस समिति ने की थी? तो प्रशासनिक सुधार आयोग बनाया गया था, उसने राज्यपालों के लिए मार्ग निर्देशक सिद्धांत निर्धारित करने की अनुशंसा की थी। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करता है? तो ये करता है विधानसभा उपाध्यक्ष को। ये दोनों एक दूसरे को अपना त्याग पत्र देते हैं, विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को। अब आप मुझे ये बताइए कि कमेंट करके, विधानसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके आप जरूर दीजिएगा। किस क्षेत्र में सुधारों का सुझाव देने के लिए दिनेश गोस्वामी समिति गठित की गई थी? तो निर्वाचन के क्षेत्र में सुझाव देने के लिए, सुधारों के लिए दिनेश गोस्वामी समिति गठित की गई थी। समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास है? तो संघ और राज्य दोनों के पास है समवर्ती सूची में जो लिखे विषय हैं उस पर अधिनियम बनाने का अधिकार। ऐसे ही संघ सूची में संघ का अधिकार है और राज्य सूची में राज्य का अधिकार है। तो ये हमारे संविधान के कौन से भाग से संबंधित है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची संविधान के कौन से भाग से संबंधित है, ये आप मुझे कमेंट में दीजिएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर राज्य में किस भाषा को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्राप्त है? तो ये सब लोगों को आंसर पता होगा, उर्दू भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। ऐसे ही आपातकाल में तीन आपातकाल की घोषणा है, 352 के अंतर्गत, 356 के अंतर्गत और 360 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। भारत के कौन से नेता देश में दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे? तो जयप्रकाश नारायण चाहते थे कि देश में कोई भी दल ना हो, सब जो भी नेता चुना जाए वो मतलब कि सबकी सहमति से, आम सहमति से चुना जाए, दल के हिसाब से चुनाव नहीं होने चाहिए, ये जयप्रकाश नारायण चाहते थे। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? तो पहला पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1953 में किया गया था। तो आप मुझे कमेंट करके आज का नेक्स्ट आंसर दीजिएगा कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो इसका आंसर मुझे कमेंट में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो 35वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो मौलिक अधिकार संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, और मौलिक कर्तव्य किससे लिए गए हैं, इसका आंसर दीजिए कमेंट में। किस भारतीय राज्य का अपना अलग संविधान है? तो जम्मू कश्मीर राज्य का अपना अलग संविधान है, ये आप लोगों को पता ही होगा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थित फ्रांसीसी उपनिवेश चंद्रनगर, माहे, यनाम तथा कारिकल को भारत सरकार ने फ्रांस से कब प्राप्त किया था? तो आजादी के 9 वर्षों बाद
भारत सरकार ने फ्रांसीसी उपनिवेशों को, जो कि चंद्रनगर माहे यनाम और कारिकल था, भारत सरकार ने प्राप्त किया था फ्रांस से। दल बदल से संबंधित किसी मामले पर अंतिम निर्णय किसका होता है? कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो इसका अंतिम निर्णय होता है संबंधित दल के अध्यक्ष या सभापति का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति किस आधार पर आपात की घोषणा कर सकता है? तो युद्ध, आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो आज के सुपर 30 क्वेश्चन यहीं खत्म होते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और जितने क्वेश्चन मैंने पूछे हैं उसका कमेंट में आंसर ज़रूर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना।